सुपर 30 के ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो ऋतिक रोशन के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुपर 30 के ट्रेलर ने ऋतिक के फैंस की एक्साइटमेंट दो गुना कर दी है। लोग फिल्म को मास्टरपीस बता रहे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले ही फैंस ने सुपर 30 को अभी से ब्लॉकबस्टर बता दिया है। किसी का कहना है कि ये फिल्म 400 करोड़ रुपए कमाएगी तो किसी ने कहा है ये 200 करोड़ कमाने वाली है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको पांच बड़े रीजन बताने जा रहे हैं जो सुपर 30 को एक बम्पर हिट बना सकती है। पहली वजह, लंबे वक्त के बाद ऋतिक की वापसी। ऋतिक आखिरी बार साल 2017 में फिल्म काबिल में यामी गौतम के साथ नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे आदमी का किरदार प्ले किया था और दो साल के लंबे इंतजार के बाद ऋतिक फिर से फैंस के लिए सुपर 30 के थ्रू धमाका करने को तैयार हैं। और वैसे भी ऋतिक की फैन फॉलोइंग इतनी गजब की है कि वो भारी मात्रा में ये फिल्म देखने थिएटर तो जरूर जाएंगे। दूसरी वजह, फिल्म का दमदार कंटेंट। इस समय बॉलीवुड फिल्मों की ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ही पसंद आ रही हैं। स्त्री, बधाई हो, अंधाधुन और उरी कुछ ऐसी जबरदस्त फिल्में हैं जिन्होंने अपनी अच्छी कहानी कहने के दम पर लोगों का दिल जीत लिया। और बात की जाए सुपर 30 की तो ट्रेलर देखकर समझ आ जाता है कि इस फिल्म की कहानी कितनी दमदार होने वाली है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि सुपर 30 अपने दमदार कंटेंट के दम पर बॉक्स ऑफिस पर छाने वाली है। तीसरी वजह, ऋतिक का रोल। अपनी हर फिल्म में ऋतिक ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। क्रिश में सुपर हीरो से लेकर एक बूढ़े आदमी तक और फिर काबिल में एक अंधे आदमी के किरदार को ऋतिक ने बखूबी तरीके से पोर्ट्रे किया है। सुपर 30 में ऋतिक डस्की स्किन और सिंपल बिहारी लुक में नजर आ रहे हैं और शानदार तरीके से डायलॉग्स बोलते हुए भी दिख रहे हैं और वो अपने कैरेक्टर में इतने डूबते नजर आ रहे हैं कि आप उनके इमोशंस को महसूस भी कर सकते हैं। चौथी वजह, नौजवानों को करेगी इंस्पायर। सुपर 30 का प्लॉट एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इस सिस्टम को हिलाकर रख देता है आनंद कुमार, जो गरीब बच्चों को IIT तक पहुंचाने का जज्बा और हिम्मत दिखाता है। थ्री इडियट्स के बाद सुपर 30 ऐसी फिल्म आई है जो ज्यादातर नौजवानों को टारगेट करती है और फिल्म की कहानी भी यंगस्टर्स को उठने की, पढ़ने की, लड़ने की, आगे बढ़ने की और हकदार बनने के लिए जोश और जज्बा जगाती है। और पांचवी वजह, रियल इंडिया की रियल बायोपिक। अब तक बॉलीवुड में कई बायोपिक्स बनी हैं। पान सिंह तोमर, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, दंगल, ये वो बायोपिक्स हैं जिनमें हमारे देश के बड़े बड़े प्लेयर्स का जिक्र था। इस बायोपिक में पान सिंह तोमर की एथलीट से डकैत बनने की कहानी थी, मैरी कॉम उन्हीं की ही कहानी थी। और वहीं बात करें दंगल की तो ये देश की बेटियां गीता और बबीता फोगाट की कहानी थी। लेकिन सुपर 30 एक रियल इंडिया की रियल बायोपिक है क्योंकि एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जो कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा स्पोर्ट पर्सन नहीं है। ये बिहार के एक ऐसे टीचर की कहानी है जिसने अपने ज्ञान के दम पर गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी। और इस फिल्म के लिए ऋतिक ने भले ही खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया हो, लेकिन उन्हें ना पहलवानी लड़नी पड़ी, ना एथलीट की तरह जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ा और ना ही कोई टफ फिजिकलिटी से गुजरना पड़ा, बल्कि उनका ये किरदार कोई भी आम आदमी अपनी जिंदगी में बन सकता है और निभा सकता है। ऐसे में सुपर 30 रियल इंडिया की रियल कहानी बताती है। वेल, ये बातें जानने के बाद वी आर श्योर कि आपका सुपर 30 को देखने का इंतजार और भी बढ़ जाएगा। बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।